हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ परेश पटेल। आई विल टीच यू अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोड इज 3130908। एज पर GTU स्कीम आवर सिलेबस टॉपिक इज, फर्स्ट यूनिट इज न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस, वेट इज 14%। सेकंड यूनिट इंटरपोलेशन, वेट इज 14%। थर्ड यूनिट न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, वेट इज 10%। फोर्थ यूनिट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, वेट इज 10%। फिफ्थ यूनिट कर्व फिटिंग बाय न्यूमेरिकल मेथड, वेट इज 10%। सो यहाँ पे जो हमने बात की 1 to 5 यूनिट, उस सभी यूनिट है डिपेंड ऑन न्यूमेरिकल मेथड। यूनिट 6 बेसिक प्रोबेबिलिटी एंड वेटेज 22%। एंड लास्ट यूनिट 7 नंबर बेसिक स्टेटिस्टिक, वेटेज इज 20%। सो यहाँ पे जो पूरा सिलेबस है 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहला पार्ट है न्यूमेरिकल मेथड, सेकंड पार्ट है बेसिक प्रोबेबिलिटी एंड थर्ड पार्ट है बेसिक स्टेटिस्टिक्स। सो टुडे वी स्टार्ट प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट वी इंट्रोडक्शन। द कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द analysis of the game of chance. Even today, a large number of problems exist which are based on the game of chance, such as a tossing of coin, throwing of dice and playing of cards. So अभी जो probability का जो concept है, basic concept, वो game of chance के हिसाब से, मान लो कि हम coin को toss कर रहे हैं, पता नहीं है head आएगा या tail आएगा। throwing of dice, 1 to 6 नंबर में से 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5, यानी मींस एक गेम ऑफ चांस के बारे में जो बात करने वाले हैं, तो वो डिपेंड ऑन प्रोबेबिलिटी है। सो द यूटिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स इज मोस्ट इम्फेटिकली रिवील्ड इन द यील्ड ऑफ प्रिडिक्शन फॉर द फ्यूचर। अगर हम बिजनेस के फ्यूचर के बारे में बात करना है, कुछ प्रिडिक्शन करना है, सो वो पूरा डिपेंड होगा प्रोबेबिलिटी पे। इकोनॉमिक्स के फ्यूचर के बारे में बात करना है, अप डाउन, प्रॉफिट लॉस के बारे में, जो भी चीज़ें हमें एजप्शन करनी है या प्रिडिक्शन करना है, तो वो पूरे प्रोबेबिलिटी वहाँ पे यूजफुल है, ठीक है। एंड द वर्ड प्रोबेबिलिटी और चांस इज यूज कॉमनली इन डे टू डे लाइफ। हम चांस के बारे में और प्रोबेबिलिटी के बारे में डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं। वी कम अक्रॉस द सेंटेंस लाइक इट मे रेन टूडे। हम ऐसे बात करते हैं, आज बारिश होगी। दूसरा मैं एग्जाम्पल बताऊँ आपको, मान लो कि मैच हो रही है श्रीलंका और इंडिया की, तो उसमें विनिंग के चांसेस इंडिया के हैं या श्रीलंका के, वो प्रिडिक्शन करना है, तो बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी हम कर सकते हैं। फिर एक और एग्जांपल हम देखते हैं, द चांस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट बाय इन्वेस्टिंग इन अ शेयर ऑफ अ कंपनी ए आर वेरी ब्राइट, ठीक है। अगर हम कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इन द शेयर मार्केट, सो प्रॉफिट या लॉस के बारे में हम सोचते हैं, तो उसका जो प्रिडिक्शन करना होता है वो बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। सो द ईच ऑफ द अबव सेंटेंस इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी। और जो यहाँ पे जो अबव जो सेंटेंस है सभी, उसमें अनसर्टेनिटी है, कोई फिक्स नहीं है। The numerical measure of uncertainty is provided by a very important
branch of mathematics called theory of probability. अगर अनसर्टिनिटी का मेजरमेंट करना है हमें इन द न्यूमेरिकल फॉर्म, सो जो ब्रांच है मैथमेटिक्स की उसे हम बोलेंगे थियरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो बिफोर वी स्टडी द प्रोबेबिलिटी थियरी इन अ डिटेल, इट इज एप्रोप्रिएट द एक्सप्लेन सर्टेन टर्म्स विच आर essential for the study for the theory of probability. So basic theory के बारे में जो हम बात करना चाहते हैं probability की, तो उसमें कुछ result होते हैं उसके बारे में हमें पहले देखना है। So यहाँ पे some important terms and concept के बारे में हम बात करते हैं। So पहला result है random experiment. What is the random experiment? If an experiment is conducted any number of times under identical condition, there is a set of all possible outcomes associated with it. Random experiment की जो बात है वो क्या है, मान लो मैं आपको एक example बताऊँ कि एक coin है, हम उसे toss कर रहे हैं, one time कर सकते, two times कर सकते, three times, any time. और जो ये पूरी प्रोसीजर है और वहाँ पे जो हमें रिजल्ट मिल रहे हैं, या हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, तो जो वो पूरी प्रोसीजर है उसे हम बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिखा है कि भाई टॉसिंग अ कॉइन एंड थ्रोइंग ऑफ डाइस, अगर डाइस को थ्रो कर रहे हो आप तो रिजल्ट मिल सकते हैं हमें 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये जो पूरी प्रोसीजर है उसे हम बोलेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट। सेकंड है आउटकम्स, सो द रिजल्ट ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड आउटकम्स। आउटकम्स क्या है, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके बाद जो हमें रिजल्ट मिल रहे हैं उसे हम बोलेंगे आउटकम्स। एज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं कि सपोज रैंडम एक्सपेरिमेंट इज अ कॉइन टॉस, अगर हम कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो दो रिजल्ट होंगे, एक होगा हेड और दूसरा होगा टेल। सो ये जो हेड और टेल की जो बात कर रहे हैं वो क्या होगा, आउटकम्स होगा। सिमिलर एग्जांपल, हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो उसके कुछ रिजल्ट मिलते हुए, मान लो कि डाइस से थ्रो किया तो रिजल्ट हो गया 1, 2, 3, 4 या 5 या 6। ठीक है, सो ये जो रिजल्ट मिल रहा है उसे हम बोलेंगे आउटकम्स। थर्ड रिजल्ट है ट्रायल एंड इवेंट। ट्रायल किसे बोलेंगे एंड इवेंट किसे बोलेंगे, एनी पर्टिकुलर परफॉर्मेंस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल एंड आउटकम्स। ट्रायल की बात, मान लो कॉइन है, टॉस कर रहे वन टाइम, टू टाइम, थ्री टाइम्स, तो अगर वन टाइम कर रहे तो वन ट्रायल हुआ, सेकंड टाइम करे तो सेकंड ट्रायल, थर्ड टाइम करे तो थर्ड ट्रायल, तो वो ट्रायल हो गए। एक कॉम्बिनेशन ऑफ आउटकम्स इज कॉल्ड इवेंट। इवेंट की जो बात करें हम, सो कॉइन को टॉस कर रहे तो वहां पे दो रिजल्ट हो गए, मैं बोलूँ मान लो कि हेड आने के चांसेस कितने हैं तो वो क्या हो गई, इवेंट हो गई। हेड आने के लिए चांसेस क्या है, मान लो कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है टेल आने के लिए, तो टेल आने के लिए वो दूसरी इवेंट हो गई। अगर मैं बात करूँ कोई डाइस है उसको थ्रो कर रहे हैं, व्हाट इज द चांस इवन नंबर, इवन नंबर आने के चांसेस क्या है, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, सो वो क्या हो गई, एक इवेंट हो गई। अगर दूसरी इवेंट की बात करें हम, सो व्हाट इज द चांस फॉर ऑड नंबर, ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो एक दूसरी इवेंट हो गई। सो इवेंट और ट्रायल के बारे में आपको पता चल गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जिस्टिव इवेंट। द
The total number of possible outcomes of a random experiment is called exhaustive event. जितने भी आपको outcomes मिल रहे possible, वो सब साथ में बोलो तो उसे बोलेंगे हम exhaustive event. Mutually exclusive event. The events are said to be mutually exclusive if the occurrence of one of them precludes the occurrence of all other in the same time. That is, they cannot occur simultaneously. दो साथ में एक साथ नहीं हो सकते. As for example, if tossing a coin, the event head or tail are mutually exclusive, since both the head or tail cannot occur at the same time. अगर हम आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों साथ में नहीं बोल सकते, दोनों हेड है या दोनों टेल है. ठीक है, तो ये हो गई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट. इक्वली लाइकली इवेंट्स. इक्वली लाइकली इवेंट्स मीन्स जो प्रोबेबिलिटी है हेड आने की या टेल आने की, बोथ आर सेम होना चाहिए. अदरवाइज हम डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी सबकी सेम मिलेगी. मान लो वन आने की चांसेस क्या है, टू आने के, थ्री आने के, फोर आने के, फाइव आने के या सिक्स आने के, सभी की प्रोबेबिलिटी देखो तो सबकी सेम होगी. इट मींस वो क्या होगी, इक्वली लाइकली इवेंट्स. एंड जो सेवन नंबर है वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स. इंडिपेंडेंट इवेंट्स का मतलब है कि जो यहाँ पे जो इवेंट हो रही है वो किसी इवेंट के साथ डिपेंडेंट नहीं है. Event are said to be independent if occurrence of an event does not have any effect on the occurrence of the other event. अगर एक event हो रही है उसकी effect दूसरे event पे नहीं होगी. As for example, tossing a coin, the event of getting a head in the first toss is independent of getting a head in a second event, थर्ड इवेंट एंड सबसीक्वेंस टॉसेस. अगर आप कॉइन को टॉस कर रहे हो हेड, सेकंड टाइम हेड, थर्ड टाइम हेड, सो वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है कि टेल के साथ, कुछ भी हो सकता है. मीन्स एक दूसरे के साथ वो डिपेंडेंट नहीं है, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है. सिमिलर थ्रोइंग ऑफ डाइस, उसमें भी जो रिजल्ट आते हैं वो किसी पे हम इफेक्ट नहीं होते. फर्स्ट थ्रो, सेकंड थ्रो या फोर्थ थ्रो, वन आ सकता है, टू आ सकता है, थ्री आ सकता है. एंड लास्ट है फेवरेबल इवेंट. द फेवरेबल इवेंट इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट आर द नंबर ऑफ आउटकम्स व्हिच एंटेल द अकरेंस ऑफ द इवेंट. एज फॉर एग्जांपल, इन द थ्रोइंग ऑफ टू डाइस, द फेवरेबल event of getting the sum 5 is 1,4, 4,1, 2,3, 3,2. ठीक है, सो यहाँ पे जो फेवरेबल इवेंट है वो 4 है. मैं आपको बताऊँ कि हम डाइस को थ्रो कर रहे टू टाइम्स, सो हमें जो ऑर्डर पे मिलेगी वो होगी 36. मैं आपको बताऊँ कि पहली ऑर्डर पर मैं देखा हूँ 1,1 हो सकता है, 1,2 हो सकता है, 1,3 हो सकता है, 1,4, 1,5 एंड 1,6. फिर दूसरे चांसेस क्या आ सकते हैं, 2,1 हो सकता है, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 अप टू 2,6. सिमिलर 3 के हिसाब से देखने जाए तो 3,1, 3,2 अप टू 3,6. सिमिलर 4 के हिसाब से जाए तो 4,1, 4,2 अप टू 4,6. एंड लास्ट में 5,1, 5,2, 5,3 अप टू 5,6 एंड 6,1, 6,2 अप टू 6,6. ऐसे करके जो टोटल रिजल्ट मिल रहे हैं हमें, आउटकम्स, वो क्या है, 36 ऑर्डर पे आ रहे हैं. और उसमें फेवरेबल इवेंट क्या लेंगे हम, कि यहाँ पे बोला है कि फेवरेबल इवेंट ऑफ गेटिंग द सम एज अ 5. कौन सी ऑर्डर पेयर का सम 5 हो रहा है, वो जो ऑर्डर 5 हो रहा है वो आपकी होगी फेवरेबल इवेंट में आ जाएगी.
तो यहाँ पे जो बताया 1.4 उसका सम करो आप 5 होगा, 4.1 करो उसका सम होगा 5, 2.3 करो उसका सम होगा 5, 3.2 करो उसका सम होगा 5। इसके अलावा कोई ऐसे ऑर्डर पर हमें नहीं है कि जो वहाँ पे हमें सम 5 मिले, ठीक है। ओनली फॉर 4 ऑर्डर पेयर है जहाँ पे हमें 5 मिल रहा है। तो ये जो सभी इवेंट हुई वो क्या है, फेवरेबल इवेंट, ठीक है। सो आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम जाते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये जो हम टर्म देखे वो क्या है, प्रोबेबिलिटी के कुछ आगे हम एग्जांपल सॉल्व करने जाएंगे, तब जाके हम इवेंट की ज़रूरत पड़ेगी, आउटकम्स की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रायल की ज़रूरत पड़ेगी, रैंडम एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो सब हमें ज़रूरत होती है वो सभी की हमने डेफिनेशन देख ली। अब हम जाते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे दो पार्ट में डेफिनेशन बताया है, एक है क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। लेट एन बी द नंबर ऑफ इक्वली लाइकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जिस्टिव आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो एन है वो आउटकम्स है, इक्वली लाइकली हो सकते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो सकते हैं या एक्सक्लूसिव होता है, ठीक है, इन द रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इसे हम बोलेंगे स्मॉल एन। लेट स्मॉल एम बी द नंबर ऑफ आउटकम्स विच आर फेवरेबल टू द अकरेंस ऑफ इवेंट ए। और जो स्मॉल एम है वो फेवरेबल इवेंट होगी ऑफ इवेंट ए की। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अकरिंग डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है तो उसको जो सिम्बोलिकल डिनोट कर रहा है तो वो कैसे है, पी ऑफ ए से। एंड इट इज़ गिवन बाय पी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एग्जिस्टिव आउटकम्स। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जो स्मॉल एम है वो फेवरेबल आउटकम्स होगी और स्मॉल एन है वो क्या है, टोटल आउटकम्स। मैं एक आपको एक सिंपल एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मान लो हम आपके पास एक कॉइन है, कॉइन को वन टाइम टॉस कर रहे हो तो कितने रिजल्ट मिलेंगे आपको, दो मिलेंगे, एक होगा हेड या एक होगा टेल। इट मीन्स टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हुआ हमारा एन की वैल्यू टू हो गई। अब मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ हेड। सो इवेंट ए क्या हो गई, हेड आने की प्रोबेबिलिटी। सो इट मीन्स पी ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ए डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलो ए को हमें कैसे डिनोट किया है, हेड आने के लिए। तो कितनी बार हेड आ सकता है, हम कॉइन को वन टाइम टॉस कर रहे हैं तो चांसेस कितने हैं, वन चांस। सो हम वहाँ पे लिख सकते हैं वन डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स टू। सो जो हमारे हेड की प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 1/2। सिमिलर हम उसी टाइप से हम टेल के लिए बात करें हम। सो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सो टेल आने के लिए भी वन होगा चांसेस, एच और टी है तो टेल आने के लिए वन चांस है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इट मीन्स 1/2। सो दोनों की जो प्रोबेबिलिटी वो सेम है, 1/2 1/2 हम उसे बोल सकते हैं, इक्वली लाइकली इवेंट बोल सकते हैं, ठीक है।